हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कौन कौन से ऑपरेशन पे क्लोज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन ऑपरेशन। तो सपोज दैट अगर आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है L1 और दूसरी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है L2 विच इज इक्वल्स टू, अगर कोई एक लैंग्वेज आ रही है और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आ रही है, तो इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज आर क्लोज अंडर यूनियन ऑपरेशन। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होता है वो यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और क्लीन क्लोजर पे क्लोज होता है, बट कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन पे क्लोज नहीं होता। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ जो आपकी लैंग्वेजेस है वो सेट ऑफ ऑल रेगुलर, सेट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यानी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का सेट है, वो सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है, उसमें हम कोई भी दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लें और उस पर यूनियन अगर हम अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेड अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री आ रहा है, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर यूनियन ऑपरेशन। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो अगर कोई एक लैंग्वेज है, सपोज दैट ये क्या आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा। तो अगर इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूनियन का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज एक लैंग्वेज ले लें L1 विच इज इक्वल्स टू a^n b^n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। L2 ले लेते हैं, L2 विच इज इक्वल्स टू लेट्स c^n d^n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है और ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ग्रामर लिखते हैं, लेट सपोज, तो ग्रामर क्या आएगा, लेट सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया s1, s1 इज डिराइव्स a s1 b epsilon, ये हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग ग्रामर। अगर इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा s2 विच इज इक्वल्स टू क्या, c s2 d epsilon। ओके, तो यानी हमें ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मिल गई इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग इस पे। तो अगर हमें यूनियन अप्लाई करना तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे कैपिटल s और क्या लिख देंगे, s1/s2। सिंपल, यानी क्या करना है, यूनियन का मतलब ये होता है कि ये भी स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो और ये भी स्ट्रिंग जनरेट हो। तो s1 से हम क्या करेंगे, इसको जनरेट कर लेंगे, s2 को इससे जनरेट कर लेंगे, और यहाँ इस तरीके से लिख देंगे s1 derives a s1 b epsilon and s2 derives c s2 d epsilon। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लैंग्वेज आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री थी, दूसरी लैंग्वेज थी कॉन्टेक्स्ट फ्री, इसका यूनियन जो हमें रिजल्टेंट लैंग्वेज आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री। सिंपली क्या करेंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दिस, यानी अगर हमें इससे जनरेट करना है तो S1 के थ्रू चले जाएंगे, अगर हमें ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो S2 के थ्रू चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है वो यूनियन पे क्लोज होती है। नेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन, तो कॉन्कैटिनेशन में क्या करेंगे, S डिराइव सिंपली S1 कॉन्कैटिनेशन विद S2, ये लिख देंगे, और S1 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा और S2 लिखते हैं, S1 derives a S1 b null, S2 derives c S2 d null। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेशन। तो ये भी आपके रिजल्टेंट जो ग्रामर होगी वो भी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री। इसका मतलब इसलिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है वो आपकी कॉन्कैटिनेशन पे क्लोज होती है। अब यहाँ एक डाउट हो सकता है, यहाँ डाउट ये हो सकता है, ये जो आपकी लैंग्वेज है वो a^n b^n है और ये जो लैंग्वेज है वो आपकी c^n d^n है। अगर इनको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, फॉर एग्जांपल s derives, अगर इससे हम कॉन्कैटिनेट करेंगे तो एट द एंड जो हमें लैंग्वेज मिलेगी, यानी इस पूरे ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो क्या होगी, दिखने से ऐसा लग रही नहीं है, लैंग्वेज आ रही a^n b^n c^n d^n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है एक्चुअली जीरो है, यहाँ पे नल लिया ना तो जीरो है, सॉरी ये जीरो है क्योंकि यहाँ नल भी जनरेट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ जीरो लिखेंगे। तो ये आपकी लैंग्वेज आ रही है। क्या ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है? नहीं, a^n b^n c^n ही तक अगर आ गया तो ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। इसका मतलब ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं, तो कैसे ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज आर क्लोज अंडर कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा? ये लैंग्वेज आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, नो डाउट ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री, जब इसका कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो हमें लैंग्वेज मिल रही है वो क्या आ रही है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं आ रही। तो इसमें क्या है, इसे हमें समझना है कि एग्जैक्टली इसको किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करेंगे। क्या ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज दोनों सेम है? यहाँ आपका क्या है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी है, यहाँ नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ डी है, बट ये एन जो है यानी नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ डी इक्वल होगा इधर और नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल होगा, लेकिन जब इनको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ हम c^n d^n की जगह हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a^n b^n c^m d^m वेयर n, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस, ऐसा लिख सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल है इस लैंग्वेज में,
और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल का मतलब पहले सारे ए आएंगे देन सारे बी आएंगे, और ए और बी दोनों सेम होंगे। अगर यहाँ फोर है तो यहाँ भी फोर होगा, अगर यहाँ आपका सी का देखें तो इन दोनों में भी वही सेम चीज़ है। बट क्या इस लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन? यस। तो कॉन्कैटिनेशन करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, डी पावर एन, देखने से तो हमको लग रहा है अगर इनको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो ये लैंग्वेज आएगी, बट ये लैंग्वेज का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, बट ये अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, यानी ए को पुश किया बी से पॉप कर दिया, सी को पुश किया डी से पॉप कर दिया, तो इसका पीडीएफ पॉसिबल है। और लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी यहाँ जो लैंग्वेज की मीनिंग थी और इसको कॉन्कैटिनेट करने के बाद जो लैंग्वेज की मीनिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे है। और रिजल्टेंट ये कॉन्टेक्स्ट फ्री आ रही है। ये आपका ए पावर एन बी पावर एन है और इधर सी पावर एम डी पावर एम लिख दिया, क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट जो आएगा वो कॉन्टेक्स्ट फ्री आ रहा है, तो अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट फ्री हमको मिल रहा है। अगर इसको हम डायरेक्टली ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन डी पावर एन और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो ये आपका जो जनरेट हो रहा वो एक्चुअली ये नहीं हो रहा, वो एक्चुअली ये जनरेट हो रहा है। सी और डी, यानी ये क्या है आपका, ये आपकी एल वन थी और ये एल टू थी, इनका कॉन्कैटिनेशन इस तरीके से होगा। वहाँ हम एन अगर लिखेंगे तो ये सारे एन जो है वो सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये लैंग्वेज होगी। तो सी एफ एल जो होता है वो कॉन्कैटिनेशन पे क्लोज होता है। नेक्स्ट है आपका क्लीन क्लोजर। तो क्लीन क्लोजर का मतलब अगर आपके पास एल वन कोई एक लैंग्वेज है तो क्या इसका क्लीन क्लोजर, एल वन जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री है, इसका क्लीन क्लोजर क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री आएगा देखते हैं। इससे करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी। यस, लेट सपोज इसी लैंग्वेज को ले लेते हैं, ए पावर एन बी पावर एन। तो क्लीन क्लोजर का मतलब इस स्ट्रिंग को हम इनफाइनाइट टाइम्स जनरेट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये आपका एस वन है, एस वन डिराइव्स जो है, तो इसको क्या करते हैं एक नया वेरिएबल ले एस और यहाँ लिख दिया सिंपली नल, और ये आपकी जो लैंग्वेज है एस वन ग्रामर, एस वन करस्पॉन्डिंग टू ए एस वन बी, ए एस वन बी एंड नल, ये आ गया। तो अब हम जो है अगर हमें इस पर्टिकुलर लैंग्वेज, हमारी इस लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग है अगर इसको हमें एक बार जनरेट करना, लेट सपोज अगर इस तरीके से अगर हमें एक बार जनरेट करना है तो इसको एस वन और यहाँ सिंपली एस और एस की जगह नल सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एस वन से हमें ये ए पावर एन बी पावर एन यहाँ मिल जाएगी, जितनी बार यहाँ स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें दो बार जनरेट करना है तो इस नल की जगह क्या लिख देंगे, एस वन और कैपिटल एस, इधर क्या लिखेंगे एस वन है एस, इसको नल लिख सकते हैं। तीन बार जनरेट करना है तो इसको एस वन एस वन एस वन थ्री टाइम्स कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब यहाँ जो तीनों ऑपरेशन हमने डिस्कस किए कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती है वो यूनियन पे भी क्लोज होती है, कॉन्कैटिनेशन पे भी क्लोज होती है और क्लीन क्लोजर पे भी क्लोज होती है। और कॉन्कैटिनेशन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो अब देखते हैं आपका कॉम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरसेक्शन। ओके।